पहली जानकारी आप तक साझा करते चले वो ये कि श्री नागू बनाए गए हैं हाईकोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज की शपथ उन्होंने ली है। शपथ समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्य तौर पर मौजूद रहे तो राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा की भी मौजूदगी कार्यक्रम में देखने को मिली। तो सांसद कार्तिक शर्मा से लेकर सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर मौजूद रहे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नव नियुक्त चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार सुबह 10:30 बजे पंजाब राजभवन में संपन्न हुआ और उस दौरान की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे थे। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा रहे। आपको बताएं कि पंजाब के गवर्नर यानी बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। आपको बताते चले और कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ये पद पिछले 9 महीने से खाली पड़ा था। 13 अक्टूबर 2023 को जस्टिस रविशंकर झा के सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने के बाद पहले जस्टिस ऋतु बारी और फिर उसके बाद जस्टिस जीएस संधावालिया को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब जस्टिस शेल नागो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर कार्यरत रहे हैं। आपको बताएं कि इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा भी मध्य प्रदेश से ही आए थे। Having been appointed Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully. And to the best of my ability, knowledge and judgment. Perform the duties of my office without fear or favor. Affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. Honorable Chief Justice,